वालेकुम, मैं हूँ सैफी। नाजरीन, जब से साबिक वजीर आजम इमरान खान ने असेंबली तहलील करने का ऐलान किया है, लगता है जैसे मुत्तहिदा हुकूमत की कांपे टांग गई हो, शुरू हो गई हो। ये पीडीएम के वही वुजरा हैं जो साबिक वजीर आजम इमरान खान को असेंबली तोड़ने के नित नए रोज मशवरे देते थे, और ये वही वुजरा हैं जो साबिक वजीर आजम के इलेक्शन के मुतालबे पर उन्हें असेंबली तोड़ने के नए मुफ्त मशवरे दिया करते थे। आज पीडीएम के वही वुजरा हर फोरम पर इसे, हर एक वजीर आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और हर फोरम पे आज असेंबली तोड़ने की बात को गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम साबित करने पर तुला हुआ है। आज भी पीपल्स पार्टी के वजीर के साबिक वजीर हसन मुर्तजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा दिया कि ऐसी सूरत हाल मुल्क को दरपेश है जिसकी वजह से असेंबली तहलील करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना था उनका, ये सुन लेते हैं। उसमें कोई ऐसे हालात मुल्क में, सूबे में कोई ऐसे हालात हों कि इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो यकीनन करें। आज कौन से ऐसे हालात यहाँ पर मौजूद हैं जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो असेंबलियाँ डिसॉल्व करने जा रही है? लॉ एंड ऑर्डर है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी ले, उसे ठीक करे। आज अगर इकॉनमी बुरे हालात में है तो हुकूमत जिम्मेदारी ले, फेडरल में हमने ली है ना, हम उसका नुकसान भी उठा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हम नहीं करना, ये आपने तो नहीं करना, हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब महंगाई बेरोजगारी के रोज नित नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मईशत और डॉलर आईएमएफ के काबू करने के दावेदार इसहाक डार साहब न जाने डूब गए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आप आए थे इस बुनियाद पर कि मईशत ठीक करेंगे, लेकिन मईशत जूं की तू नजर आती है। गुज़िश्ता 30-40 सालों से मुल्क पर हुकूमत करने वाली जमातें दूसरों के सर पर बलाए लादने की रीत पर कायम है, और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ततार ने माशी सूरत हाल का इल्जाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत, 3.5 साल की हुकूमत पर डाल दिया। क्या कहा, ये वो सुन लेते हैं। देखिए, बात ये है, ये मलबा हमारा गिराया हुआ नहीं था जो हमने आके उठाया है। हम महंगाई को छोड़ के गए थे 4% पे, शरह नमू को छोड़ के गए थे 5.8% पे। इमरान न्याजी साहब ने चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगा के, उस्मान बुज़दार को यहाँ वज़ीर आला लगा के, असद उमर पोस्टर बॉय को फाइनेंस मिनिस्टर लगा के, जो अवाम पे महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, ये तो जमातें वो हैं जिन्होंने 18वीं तरमीम मुल्क को दी, जिन्होंने मोटरवेज दिए, जिन्होंने बिजली के मंसूबे दिए। आप हमारे लगाए हुए मंसूबे आज माइनस कर दें, एक मोटरवे बता दें इमरान खान ने बनाई हो, एक मुझे बिजली का मंसूबा बता दें उसने लगाया हो, एक ऐसा इकदाम बता दें कि जो इस मुल्क की भलाई के लिए लिया हो, जवाब नफी में आएगा। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत 1 दिसंबर को अपनी डिजिटल करेंसी वसाइल की तशखीस ही नहीं कर पाए हैं। मसाइल जानते भी हैं अगर, और आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं, तो उसके बावजूद उसके जो हल है उनसे अभी तक ना वाकिफ है। हकीकत तो ये भी है कि मुस्लिम लीग लून के अपने ही वुजरा अपनी माशी पॉलिसियों पर एक पेज पर दिखाई नहीं देते, जिसकी मिसाल गुज़िश्ता रोज मिफ्ता इस्माइल ने अपनी स्पीच में इसहाक डार की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए दी। दूसरी जानिब मगर अहसन इकबाल एक निजी चैनल की तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान में माशी तरक्की ना होने की वजूहत बता रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान पॉलिसी का तसलसल ना होना हमारी तनजरी की वजह है, कि हमारे पड़ोसी ममालिक सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी की वजह से हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए वो भी सुन लेते हैं। इस प्लानिंग के फंक्शन को शायद जितनी बार और जितना मैंने देखा है और जितनी इसमें रंग भरने की मैंने कोशिश की है, शायद कम किसी को मौका मिला हो, कभी विजन 2010 से और कभी विजन 2025 से, कि हम भी किसी पटड़ी पे चढ़ें। लेकिन हर बार हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने और डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज ने उन तमाम मंसूबों को क्रैश किया और पारा पारा किया। आज पाकिस्तान में हमें जिस चीज को समझने की जरूरत है, अगर हम तशखीस ठीक नहीं करेंगे तो इलाज भी तलाश नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब नाजरीन, आज पाक फौज के सरबराह की
बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर जो कि नए आर्मी चीफ हैं उनको कमांड दी और उन्होंने अब अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मगर सवाल यहाँ फिर है, सवाल ये है कि क्या मुल्क में जारी सर्द जंग और कशीदगी में कमी आ सकेगी? क्या सियासतदान अब एक पेज पर हो सकेंगे? और क्या जो इलेक्शन की तारीख खान साहब मांगते हैं और जो असेंबली तहलील करने जा रहे हैं और जो एक सर्द जंग की तवील एक कहानी हम काफी महीनों से देख रहे हैं, जब से ये हुकूमत से तब्दील हुई है, क्या वो कहीं थम पाएगी? ये वो बहुत सारे सवाल आते हैं जिनके पर आज बात करेंगे। जी प्रोग्राम में इन सारी चीजों पर बात करने के लिए बड़े जबरदस्त मेहमान यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करी है गजाला सैफी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मैं उनको खुश आमदेद कहती हूँ। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर गौस मोहम्मद ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुश आमदेद कहती हूँ। स्टूडियो में मौजूद होंगे जावेद अहमद चतारी साहब, नायब सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं जावेद अहमद चतारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है, आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि जी जनाब आ रही है। जावेद अहमद चतारी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। जावेद साहब, एक बहस छिड़ चुकी है जब से साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ करते हुए ये ऐलान किया है कि वो पंजाब और केपीके की असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं, और चूंकि इलेक्शन की तारीख नहीं मिल रही तो अब उनके पास और इसके अलावा और कोई उनको ये नजर आता है कि कोई हल नहीं है, जिसके अंदर एक नई बहस छिड़ चुकी है आईनी और कानूनी मामलात से। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले नाजरीन को सादा अल्फाज में आप अगर समझा सकें कि इसमें आईनी और कानूनी क्या पहलू हैं, क्या खान साहब वाकई ऐसा कर सकते हैं, पंजाब हुकूमत वाकई गवर्नर को जो समरी है वो भेज सकती है असेंबलियां डिसॉल्व करने की, और जब समरी जाएगी तो फिर गवर्नर जो है उसका क्या किरदार होगा, क्या कोई वो अपने तौर से इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकता है या रोक सकता है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असेंबली तोड़ने की जो खान साहब बात कर रहे हैं, ये पीडीएम का एक पुराना और दरीना मुतालबा था जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये बात कही है। ये उनकी अपनी सियासी बसीरत हो सकती है, सियासी तौर पर वो बेहतर समझते हैं कि वो ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। रही बात आइनी बहरान की, आइनी बहरान हम किसी भी तरीके से किसी भी बात को सोच कर कह सकते हैं कि आइनी बहरान पैदा हो रहा है जब भी मुल्क में कोई जमहूरी तसलसल या रियासती अमल के अंदर कोई तातुल पैदा हो, जिस अमल से वो अमल आइनी बहरान की तरफ ले जा सकता है या आइनी बहरान कहला सकता है। और जो असम्बली तोड़ने की एडवाइज़ चीफ मिनिस्टर साहब अगर गवर्नर साहब को देते हैं तो वो गवर्नर साहब इस बात के पाबंद हैं कि वो असम्बली फौरी तौर पर तोड़ दें, क्योंकि 58(2)(b) के बाद जब उसका अख्तियार सदर साहब से छीन लिया गया था तो इस बात के अंदर आगे बात चल यही थी कि प्राइम मिनिस्टर या प्रोविंस का हेड जब वो असम्बली तोड़ने की बात करेगा तो असम्बली तोड़ने का उसका अख्तियार है, लेकिन उसका अख्तियार उस वक्त चला जाता है उसके हाथ से जब उसके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद आ जाए। हकीकत यही है कि जब दो सूबों की असम्बलियाँ यानी कि पंजाब की और केपीके की असम्बली तहलील हो जाएगी तो उसके लिए बाद क्या मसला पैदा होगा, उसमें फिर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियाँ किस तरह पूरी करेगा। इलेक्शन कमीशनर के पास इस बात का इख्तियार है कि अगर 120 से ज़्यादा यानी कि 121 दिन आने वाले इलेक्शन के बाकी हैं तो वो इलेक्शन असम्बली के अंदर बाई इलेक्शन करके पूरी असम्बली का पूरे सूबे का इलेक्शन ज़मनी इलेक्शन का इनेकाद कर सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अभी इलेक्शन की मुद्दत बाकी है और उस मुद्दत बाकी होने के बाद इलेक्शन कोई आइनी बहरान पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप इलेक्शन करा सकते हैं, 120 दिन से ज़्यादा दिन आपके पास मौजूद हैं। असल मसला ये है कि जो पीडीएम को या दीगर सियासी जमातों के साथ मसला है वो खान साहब की मकबूलियत का है और उनके इलेक्शन में जीतने का और आवाम की तायद का है जो उनको परेशान कर रही है। आइनी तौर पर कोई बहरान पैदा न होता नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ओके राजेश साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो अभी मैं देख रही हूँ कि 58(2)(b) के तहत आपने कहा, क्योंकि देखें हुकूमत की तरफ से यही बातें आ रही हैं ना सामने कि जी गवर्नर के पास जाएगी तो गवर्नर रोक सकता है समरी को, वो ये कह रहे हैं। क्या आईनी और कानूनी तौर पे गवर्नर के पास ऐसा कोई अख्तियार है?
गवर्नर साहब के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जिसको हम के सियासी शोबदेबाजी हो सकती है कि जिसके अंदर कोई काम को डिले किया जा सके। अब डिले करने का इख्तियार इनके पास कितना है, कैसा है, वो तो मुझे अभी स्टडी में नहीं है मेरी, लेकिन मैं नहीं समझता कि 3 दिन या 7 दिन से ज़्यादा का इख्तियार उनके पास हो, क्योंकि गवर्नर साहब कोई भी समरी जो चीफ मिनिस्टर साहब के पास से जाती है उसको ज़्यादा देर रोक नहीं सकते, ना सदर साहब रोक सकते हैं। ओके, चीफ मिनिस्टर के पास से जो समरी जाएगी वो ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, ठीक है। और 58(2)(b) के तहत भी ये बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट आ गया है जो आईनी और कानूनी माहिरीन है उनकी तरफ से भी, क्योंकि कल से ये एक बहस छिड़ी हुई है कि जी अगर जो है वो चाहें तो मुस्लिम लीग नून ये बार बार कह रही है, क्योंकि कल भी जैसे हमारे प्रोग्राम में सेनेटर मकबूल थे, राणा मकबूल, तो उन्होंने यही कहा था। मैं अब वापस जाती हूँ जी अपने सियासतदानों की तरफ भी। गजाला सैफी साहिबा, आपकी तरफ आऊंगी। गजाला सैफी साहिबा, ये जो सारा मामला है खास तौर पे इस हवाले से कि असेंबली तहलील करने के हवाले से, तो ये भी सब बातें सामने आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून और हुकूमती नुमाइंदे ये भी कह रहे हैं कि जी अगर असेंबली तहलील करनी थी तो फिर अनाउंस कर देते। वेट किस बात का है और अब किस बात की मुशावरत रह गई है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा रिदा, शुक्रिया इस प्रोग्राम में मदु करने का, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब इनके पास क्या रह गया है जिससे ये रुकावट खड़ी करेंगे इलेक्शन पे, क्योंकि मुसलसल हम पिछले 4 महीनों से यही सुन रहे थे, 3 महीनों से, कि अगर आप लोगों ने असेंबलियां खत्म करनी हैं तो पहले आप केपी के और पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दीजिए, तमाम तहलील हो जाएंगी तो हम खुद ब खुद। अब जब तहलील हो रही हैं तो उसमें ये जोड़ तोड़ खरीदारी का दोबारा बाजार लगाने की तैयारी, पूरी पूरी रात जाके बातचीत होना और किसी भी तरीके से ये कोशिश करना कि अब इलेक्शन ना हो, असेंबलियाँ क्यों टूट रही हैं और टूट गई तो पता नहीं किस तरह से ये उसको नई हुकूमत बनाएंगे, हमजा शहबाज अपनी काविशों में लग गए हैं। देखिए, अब इनको ये रियलाइजेशन नहीं हो पा रही है कि पानी सर से गुजर चुका है और अब इनके पास कोई चारा भी नहीं रह गया है ये सिवाय इसके कि ये अपना सरे तस्लीम खम करें और इस बात को मान लें कि इमरान खान न सिर्फ ये कि पाकिस्तान का एक फेवरेट लीडर है, एक पसंदीदा लीडर है, बल्कि वो इंतहाई जीरक और समझदार लीडर है जो कौम के मफाद के लिए सोचता है और अपने आवाम को किसी भी तरह से डिफिकल्टी में नहीं डालना चाहता, मुश्किलात में नहीं डालना चाहता। वो ये चाहता है कि जो उसके अपने बस में है उसको इस्तेमाल करते हुए असेंबलीज को तहलील कर दिया जाए ताकि फिर पार्लियामेंट का जवाब नहीं रहता, फिर किसी भी असेंबली की मौजूदगी का जवाब नहीं रहता, तो फिर इलेक्शन जो है वो नागुजीर हो जाते हैं और उसकी वजह से ये अब ये इस मुतजलजल सिचुएशन से इस 13 जमाती पीडीएम को निकलना पड़ेगा और रियलाइजेशन पे आना पड़ेगा कि जहाँ पे इलेक्शन इनको डेट देनी है, क्योंकि ये एक तो वैसी 27 किलोमीटर की हुकूमत है, उसके बाद ये कि जिन सूबों में हमारी अक्सरियत और शोहरत और मजबूती है हम उसको खुद तहलील कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि या तो वहाँ पे बाय इलेक्शन हो या फिर ये कि फिर इलेक्शन की तारीख दी जाए, इसके अलावा और कोई चारा रह नहीं गया। ओके, सेनेटर गौस साहब आपकी तरफ आऊंगी। अच्छा, मैंने वो आपसे वैसे गजाला साहिबा मैंने आपसे वो सवाल भी करना है, डोनाल्ड ब्लूम से आज आवाज़ चौधरी साहब की जो अमरीकी सफारतखाने में मुलाकात हुई, लेकिन बिफोर कमिंग टू डैट मैं जरा जाऊंगी सेनेटर गौस साहब की तरफ। सेनेटर गौस साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा सेंटर गौस साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है कि आप लोग पहले तो कह रहे थे कि जी अगर खान साहब इतने ही तमगड़ हैं तो वो जाएं जाके अपने जहां उनकी हुकूमत है वहां जाके असेंबली डिसॉल्व कर दे, बात खत्म हो जाएगी, मगर अब जब खान साहब ने डिसॉल्व करने की बात कर दी तो आप लोग नया सोशल लेकर आ गए कि जी अब हम जाएंगे और जाके जो है इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे, और आज भी क्या नाम है अपना अतातार साहब कहते पीपल्स पार्टी से मिलकर तैयार कर लिया है कि हर ऑप्शन इस्तेमाल करके पंजाब असेंबली बचाएंगे।
कैसे करेंगे? अगर आप समझते हैं कि उनके लोग वोट आपको देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे, तो फिर वो तो कोर्ट में ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है उस चीज का, तो ये प्रैक्टिस तो ऑलरेडी एक वीक प्रैक्टिस है जो कि खत्म हो चुकी है. सो हाउ डू यू थिंक इट कि ये कैसे लाइजन करेगी? प्लस एक बात, दूसरी चीज ये कि अब चूंकि अगर खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि जी वो जा रहे हैं इसमें, तो इलेक्शंस में जाने की वजह क्या है कि नहीं जाया जा रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि माशी सूरत हाल पर भी अभी तक हम नहीं काबू कर सके उस तरह से जिस तरह हमने दावे किए थे. हमसे मुराद यानी कि आप लोगों ने दावे किए थे. हाँ जी, बिस्मिल्लाह. देखिए जी, खान साहब असम्बलियाँ तोड़ क्यों नहीं रहे? क्या ड्रामा कर रहे हैं? देखिए, चार दिन हो गए कि मैं भी मुशावरत करके असम्बली तोड़ूंगा. चार दो दिन में उन्होंने दो दिन उन्होंने वेट किया, फिर मुशावरत की भी हम तोड़ेंगे. फिर कहा कि 5 दिन बाद हम अनाउंस करेंगे. भाई तोड़ना है तोड़ो. हमारे पास 86 लोग हैं. 86 तौर पर जो हमारा हमारे पास हो सके हम करेंगे. हम इलेक्शन में जा भी सकते हैं, ऐसे कौन सी आफत है? और ये जो इनका जूम है कि खान साहब की पॉपुलरिटी पीक पे है, ये इनकी गलतफहमी है. अभी तो सारी सियासी पार्टियां खामोश हैं. जब इनकी जब हमारी गई, जब इलेक्शन का मैदान सजेगा तो इनको लग पता जाएगा. अभी ये अगर पीपल्स पार्टी और नून मिल जाए तो ये किसी दोनों मिलकर अक्सरियत इनकी जो बीजेपी से ज्यादा है. आपको लगता नहीं है पंजाब में जो जिमनी इंतखाबात हुए थे उसमें लग पता गया था ऑलरेडी सबको, नहीं लगता आपको? वो और हालात है, ठीक है, जनरल इलेक्शन में और होता है. अभी जो जिमनी इंतखाबात हुए 7 सीटों पे पूरे मुल्क में लग पता नहीं गया सबको, आपको नहीं लगता? हर किसी की इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है किस उस वक्त. तो हमारी किसी पार्टी ना कोई लीडरशिप ने हिस्सा लिया, ना किसी ने लिया. सारे अपना उसमें इसको इलेक्शन को खान साहब तो हर हल्के में चक्कर लगा. हमारी कोई लीडरशिप नहीं गई थी और ना हमें हमारे लोगों ने इलेक्शन को सीरियस लिया कि जी ये 6-7-8 महीने का इलेक्शन है तो उसमें क्या वक्त जाए किया, पैसे जाए किए जाए. तो उस चक्कर में अगर किए वो समझते हैं कि हमारी बकूली ज्यादा है तो गलतफहमी है. तो तैयार अगर समय तोड़ेंगे तो हम हमारे पास इलेक्शन है कि हम फॉरन इलेक्शन में चले जाएँ ना चले जाएँ, क्या सियासी तरीके अख्तियार करेंगे वो हमारे पास में, ठीक है, तो हम करें चल. तो इस पर कहना इस पार्टी को ये गजाला सही सब कहते हैं कि हम शायद कोई डरे हुए हैं, ये हो गए, ऐसी कोई बात नहीं. हम कोई डरे नहीं हुए. हम इंशाल्लाह वक्त आएगा तो अपने पत्ते शो करेंगे. ये असम्बली तोड़ें तो सही. परवेज लाने से इतना कहा है कि इमरान खान को कि अगर मैं असम्बली तोड़ दी तो फिर गवर्नर के चाह रहा था आपको गिरफ्तार किया जा सकता है. तो खान साहब वहीं खामोश हो गए और ये हमें धमकियाँ देते हैं. बस ये इनकी कुछ भी नहीं है. ये इनका सियासी गुब्बारा तो जितना उससे हवा निकल चुकी है. आप कोई कोई चीज़ों को जो है ना जितना 4 महीने लॉन्ग मार्च का चलता रहा, रिजल्ट जीरो है. और अब ये भी समय तोड़ के देखें, इनको बिल्कुल हजीमत उठानी पड़ेगी. इनके अपने लोग इनको छोड़ जाएंगे. अरे समय तोड़ के दोगे, इनको यकीन होता है कि हमारे तमाम इमरान हमारे साथ हैं, शायद समय तोड़ भी देते. उनको पता है कि हमारे कुछ दोस्त 30-40 इमरान पंजाब असम्बली से कुछ KPK से बगावत कर जाएंगे जिससे पहले कर चुके हैं. तो ये कहना कि जी वो मतलब एग्जाम को असम्बली तोड़ने से डरने वाले, हम नहीं डरने वाले. हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे सियासी तौर पर. आइनी तौर पर कितना नहीं करेंगे. अब देखो पंजाब असम्बली है, अब परवेज इलाही वजी आला बने, उस वक्त से इजलास शुरू है. भले किसी असम्बली का 5 महीने इजलास शुरू रहा है, अपना MP को खुश कर रहे हैं, TA/DA लिए जा रहे हैं हर रोजाना के 5-7 हजार का. असेंबली का इजलास नहीं चलना चाहिए? ये गैर आईनी और गैर कानूनी लगता है क्या आपको, या ये आवाम के हक में नहीं है कि असेंबली का इजलास चले, डे अपने मुकम्मल करें, एक सर्टेन पीरियड होता है, एक सर्टेन अटेंडेंस होती है, वो पूरी हो, आप नहीं चाहते? सुने मेरी बात सुन रहा, ये 5 महीने से इजलास किस आईन और कानून में है की उसमें 100 दिन पूरा करना होता है और 5 दिन के देखो 150 दिन हो चुका है, 110 दिन ज्यादा हो सकता है, मतलब साले पूरे करना होता है. कुछ नहीं कह सकते इस पे, कानूनी माहिरीन ही इस पे बात कर सकते हैं. ठीक है, मैं चितारी साहब की तरफ जाती हूँ. जावेद अहमद चितारी साहब की तरफ. जावेद साहब, सर ये एक तो इस पे भी एतराज आ रहा है हुकूमत की जो इस वक्त कोलिजन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कि जी लगातार 5 महीने से जी इजलास हो रहा है, कोई ब्रेक नहीं है. वो भी जैसे उन्होंने कहा 100 दिन होते हैं ये. एक दूसरा,
तहरीक आदम एतमाद लाने की बात हो रही है पंजाब के अंदर, तो क्या तहरीक आदम एतमाद मूव हो सकती है इस तरह से जो कि प्रेसिडेंट सेट हुआ पिछले हमने देखा, जिसकी वजह से फिर बाय इलेक्शंस पूरे करने पड़े और हुए, तो क्या इस तरह से कुछ हो सकती है? कोई कोई आईन और कोई कानून कहता है और कोई क्या निकल आएगा रास्ता, कोई रास्ता हमवार होता हुआ नजर आ रहा है हुकूमत के लिए? देखिए जी, बात यह इसमें कि पीडीएम के जो मेंबरान असेंबली हैं वो तो जिस हालत में हैं और जिस तरह मज़े कर रहे हैं वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि असेंबली टूटे। मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये मेरी राय है। दूसरी बात ये है कि अगर ये समझते हैं कि असेंबलियाँ नहीं टूटनी चाहिए या कोई और बात नहीं होनी चाहिए, बाय इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, तहरीक अदम एतमाद के अंदर लेकर आ जाएंगे तो 8, 10, 15, 20, 22 दिन गुजर जाएंगे। लेकिन अगर असेंबली तोड़ने की एडवाइस दे दी तो उसके बाद तहरीक अदम एतमाद का हथियार वो रह जाता है और वो बिल्कुल चल ही नहीं सकता, वो इख्तियार ही ख़त्म हो जाता है। रही बात मेंबरान के टूटने की और मेंबरान के आने जाने की, तो मेंबरान इधर जाएं या मेंबरान उधर जाएं, असेंबली तोड़ने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला को है। मेंबरान अगर ये को रोकना है तो मेंबरान तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, अदरवाइज चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। दोनों असेंबलियाँ टूट गईं और ये बात आती है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम बाई इलेक्शन कराएंगे, तो इलेक्शन पे इतना इस कदर अखराजात आते हैं कि कुछ महीनों के लिए बाई इलेक्शन में जाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करना से बेहतर ये समझा जाएगा कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए और जनरल इलेक्शन कराया जाए। और मैं समझता हूँ अगर असेंबलियाँ टूटी तो जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाया जाएगा, वरना हमारा मुल्क गरीब मुल्क इतने बड़े इंतखाबी अखराजात का मुतामिल नहीं हो सकता एक ही साल में दो मरतबा। ठीक हो गया, चले नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी है, चूंकि एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ हमें जाना होता है, मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जा रही हूँ, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड।